आज हम कंपेयर करने वाले हैं अप्सरा की ग्रेफाइट पेंसिल्स और आर्टलाइन की ग्रेफाइट पेंसिल्स और डॉम्स की ग्रेफाइट पेंसिल्स। ये अप्सरा की, ये आर्टलाइन की, अच्छा, और ये डॉम्स की। हमको सिखा दिया है। तीनों के रेट लगभग सेम ही आते हैं और यहाँ पे हम मैं चला के दिखाऊंगा कि कौन बेटर चलता है, इन तीनों में कौन बेटर है। रेट जो है लगभग सबके बराबर ही आते हैं। वैसे हम बता दें आपको कि जो है रेट भी मैं दिखा देता हूँ। ये आर्टलाइन है समथिंग 80 रुपये के आसपास जो है इसका बॉक्स आता है, 80 रुपये के आसपास। और ये डॉम्स की है, ये डॉम्स की रही है। डॉम्स का कम से कम इसकी जो है इसका बॉक्स आता है 50 रुपये के समथिंग इसका आता है। और ये 100 रुपये के अंदर ही इसका जो है आता है। ये भी ऐसे 80 या 90 के समथिंग पड़ती है अप्सरा की भी, और ये 100 के अंडर ही आती है पेंसिल। अगर आप आर्ट बनाते हैं तो अगर आपके पास, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आप जो है जो महंगी पेंसिल होती है उनको छोड़ के आप ये पेंसिल्स यूज कर सकते हैं। ये आपकी यूज़ के लायक है। मैं इनमें बताता हूँ कौन सी आपको इन तीनों में यूज करनी चाहिए, कौन ज़्यादा बेटर है अपनी जगह तो सब सही है। फिलहाल मैं इनमें तीनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन बेटर चलती है, अप्सरा, आर्टलाइन या डॉम्स। बट इससे महंगी जो पेंसिल होती है वो हम लोग तो यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतनी महंगी पेंसिल यूज़ कर सकें। इसीलिए ये पेंसिल जो है 100 के अंडर आती हैं। तो इनको एक एक करके मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। मैं सबकी एक एक पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबकी 10 भी चला के दिखाऊँ, 10 भी। तो मैं इसकी अप्सरा की 10 भी निकाल लेता हूँ और बाकी से साइड रखता हूँ, और इसकी भी 10 भी निकाल लेता हूँ आर्टलाइन की, और इसकी भी मैं 10 भी निकाल लेता हूँ डॉम्स की, बाकी आप साइड में रख दी। अब इन तीनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। ब्रश यूज़ करके दिखाऊंगा और ब्लेंडिंग स्टम यूज़ करके दिखाऊंगा, क्या इरेजर और इलेक्ट्रिक इरेजर दोनों यूज़ करके दिखाऊंगा कौन ज़्यादा बेटर है तीनों मामलों में। चलने में सबसे पहले अप्सरा को चलाते हैं, देखते हैं इसको चलाने में कैसा जो है लगता है चलाने में। सबसे पहले अप्सरा चलाते हैं। अच्छी चलेगी काफ़ी, अप्सरा भी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं अच्छी नहीं चलती है। 10 भी अप्सरा जो है मैं उतने ही प्रेशर से चला के दिखाऊंगा जितने प्रेशर से अप्सरा चला रहा हूँ। मैं आर्टलाइन को भी इतने ही प्रेशर से चला के दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं ताकि आप, ये मेरी हो गई 10 भी अप्सरा की। अगर इसको और ज़्यादा प्रेशर देकर चलाएंगे तो थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगी। देखना यहाँ पे इस तरीके से, ये थोड़ा सा इसको प्रेशर देकर चलाएंगे, आपके प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये मैंने नॉर्मल से चलाना चाहिए आपको 40 डिग्री के एंगल पे, ये मैंने चलाइए। ये देखो थोड़ा सा हार्ड, इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर देकर चला रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गई अप्सरा। अब यही मैं आर्टलाइन को चला के दिखाता हूँ, 10 भी आर्टलाइन को उतने ही प्रेशर से चला रहा हूँ जितने प्रेशर से मैंने वो चलाई थी। कोई मैं अलग से प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, मैं उतना ही प्रेशर लगा रहा हूँ जितना कि मैंने अप्सरा में लगाया था। आई थिंक ये अप्सरा के मुकाबले थोड़ा सा बेटर चल रही है, ये अप्सरा के मुकाबले अच्छा चल रही है, ये अच्छी चल रही है आर्टलाइन जो अच्छी चल रही है। इसकी 10 भी काफ़ी अच्छी चल रही है अप्सरा को अगर देखा जाए, अप्सरा से इसको कंपेयर किया जाए तो उसकी 10 भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। उसमें थोड़ा सा हमको ऐसा लगा था कि अलग से हमको ताकत लगानी पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत स्मूथ चल रही है। अब इसको थोड़ा सा प्रेशर देकर चलाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चलाया अप्सरा को, उस तरीके से आर्टलाइन को प्रेशर देकर थोड़ा चलाते हैं। भाई दम है, भाई इसमें दम है, भाई आर्टलाइन में दम है, अप्सरा के मुकाबले आर्टलाइन में दम है थोड़ा सा। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं जो मुझे जो लग रहा है, जो मैं मेरा नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे आपको खुद दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये अप्सरा की हो गई, सॉरी आर्टलाइन की हो गई, ये अप्सरा की हो गई। हमें लगता है कि आर्टलाइन की ज़्यादा बेटर है अप्सरा से चलने के मुकाबले में, चलाने में। ये अच्छे से देखो चल रही, मतलब इतना प्रेशर नहीं लगा, स्मूथ चल रही है इससे, और थोड़ा प्रेशर देकर चला तो काफ़ी इससे हल्का सा। 10 भी ये भी है, 10 भी ये भी थोड़ी सी डार्क हुई। इसके बाद मैं चलाता हूँ डॉम्स की 10 भी, और ये भी देख लेते हैं कैसी चलती है। मैं उतने प्रेशर से चलाऊंगा इसको जितने प्रेशर से मैंने अप्सरा और आर्टलाइन चलाया, उतने प्रेशर से मैं डॉम्स को चलाता हूँ। चलाने में डॉम्स, अप्सरा, आर्टलाइन और उसके बाद डॉम्स चलाई। मुझे लगता है कि ये अप्सरा और डॉम्स लगभग सेम ही, दोनों का रिजल्ट सेम ही है। थोड़ी सी बिल्कुल जो है अप्सरा मुझे बेटर लगी डॉम्स से, आर्टलाइन तो दोनों से बेटर है चलाने में। अब थोड़ा सा प्रेशर देकर इसको चला के देखते हैं, ये अच्छी चल रही है, प्रेशर पर अच्छी चल रही है डॉम्स। हाँ ये अच्छी चल रही है, हल्का सा प्रेशर देकर चलाने पर डॉम्स अच्छी चल रही है, डॉम्स चल रही है। देखो अप्सरा और डॉम्स लगभग सेम है, सेम आर्टलाइन इन दोनों से बेटर है मेरे ख्याल से चलाने में। अब जो है मैं यूज़ करके देखता हूँ। सबसे पहले इरेजर को यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं इरेजर को यूज़ करके देखता हूँ अप्सरा पे, फिर आर्टलाइन, फिर डॉम्स पे। पेंसिल को हटा देता हूँ मैं तीनों को, इस पर चला के देखता हूँ इरेजर को कैसे ये इरेज होता है, क्या निशान रहते हैं या नहीं रहते, बाद में डस्ट रहती है या नहीं रहती थोड़ी सी। इसके बाद आर्टलाइन को,
अब डॉम्स को रेस करते हैं। देखो इरेज करने में जो है डॉम्स ज़्यादा अच्छा इरेज हो रही है, अप्सरा और आर्टलाइन के मुकाबले डॉम्स जो है ज़्यादा अच्छे से इरेज हो गई। और यहाँ पे आर्टलाइन को मैंने इरेज किया, बट वो अप्सरा बराबर इरेज हो रहे हैं। यहाँ पे ये बेटर इरेज हुआ, डॉम्स की पेंसिल ज़्यादा अच्छा इरेज हो रही है, अप्सरा और आर्टलाइन के मुकाबले डॉम्स ज़्यादा अच्छा इरेज हो रही है। अब ये अप्सरा की इरेजर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैं इससे इरेज करके दिखाता हूँ आपको। इन दोनों में इसे लाइन में डाल के दिखाता हूँ आपको, इस तरीके की पड़ी हुई है कुछ टाइप। इस पर क्या है, ये बेटर है, यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। वही बता रहा हूँ, डॉम्स अप्सरा पे भी देखो इतनी इरेजर नहीं चल रही है, आउटलाइन डॉम्स ज़्यादा बेटर चल रही है। इरेजर जो है डॉम्स बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से इरेज हो रहा है। अगर आप ज़्यादा मिस्टेक करते तो मेरे ख्याल से आपको डॉम्स चलना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से इरेज हो जाती है अगर आप बिगनर है तो। बट आउटलाइन पेंसिल मेरे ख्याल से इसलिए यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वो बेटर चलती है, ये पेंसिल इतनी बेटर चलती नहीं है, क्योंकि इसमें स्मूथनेस बहुत है आउटलाइन में। इसको चलाने में जो है आपको खुद हाथ में पकड़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आउटलाइन बेटर चल रही है डॉम्स या अप्सरा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक इरेजर चेक करते हैं, और सबसे पहले अप्सरा को लगाते हैं इलेक्ट्रिक इरेजर। अब इसके बाद आर्टलाइन पे, भाई डॉम्स ज़्यादा बेटर इरेज होती है इन सबसे, डॉम्स भाई अलग ही, देखो डॉम्स बहुत अच्छा इरेज हो रही है, अप्सरा से बेटर डॉम्स है। तो चलने में भी लग रहा था और अभी मतलब अप्सरा बेटर लग रही थी, बट इरेज करके और जो इसको इरेज करने में जो है ये मुझको बेटर लगे। आर्टलाइन इतना अच्छा इरेज हो तो रही है, बट डॉम्स ज़्यादा बेटर हो रही है आउटलाइन के हिसाब से। अब इसको ब्रश लगा के देखते हैं, अब ब्लेंडिंग स्टेम यूज करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। ब्लेंडिंग ब्रश स्टेम, अप्सरा को मैंने स्टेम से ब्लेंड किया, वो ऐसा हो रहा है। अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ आउटलाइन से, ब्लाइंडिंग के मामले में तो दोनों ही बराबर मुझको लग रहे हैं स्टम से। भाई डॉम्स को देखते हैं, ये तगड़ी है, ये देखो ब्लाइंडिंग के मामले में भी तगड़ी है, बहुत मतलब इसको ब्लाइंड में स्मूथनेस आ रही है जो कि आउटलाइन और अप्सरा नहीं दे रही है। ये देखो ब्रश यूज करके देखते हैं, अब ब्रश से देखते हैं यूज करके इसको ब्लाइंड करके थोड़ा सा। अप्सरा जो ब्लाइंड हुआ इसको कंपेयर करते हैं आउटलाइन से, आउटलाइन और अप्सरा दोनों बराबर ही आता है, अप्सरा और आउटलाइन दोनों ब्लाइंडिंग बराबर हैं। चलने के मामले में आउटलाइन बहुत अच्छी है, और इरेज और ब्लाइंड के मामले में डॉम्स ज्यादा मुझको अच्छी लगी। चलने के मामले में मुझको जो है सबसे अच्छी आउटलाइन लगी, आउटलाइन की पेंसिल से मुझको चलने में अच्छी लगी, और डॉम्स जो है वो इरेज होने में बहुत अच्छी है, ब्लाइंड होने में अच्छी है, और अप्सरा की इतनी खास कुछ लगी नहीं। इन दोनों के हिसाब से अप्सरा कुछ इतनी खास है नहीं, बस चलती सही है थोड़ा सा, उसके जो कलर इफेक्ट्स हैं वो बराबर हैं सब, मतलब परफेक्ट दे रखे हैं और वो अपनी जगह सही है। प्रैक्टिस में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आउटलाइन ज़्यादा बेटर है इन सबसे, क्योंकि वो ब्लाइंड भी सही हो रही है, वो जो चलाने में इसको है ना वो कोई नहीं ना डॉम्स दे रहा है ना अप्सरा के पास है, जो आउटलाइन नीचे चलने में है डॉम्स भी अच्छी चलने में आप यूज़ कर सकते हैं, और अप्सरा को तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ये था इन तीनों में कंपेयर, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।